बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है ब्रेड और एप्पल पुडिंग। और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो है 3 कप दूध है, 2 दरमियाने साइज़ के सेब हैं, ये 5 स्लाइसेस मैंने लेके इसके किनारे कटिंग करके और इस तरह इनको कोन में कटिंग कर लिया, 1 कप चीनी है, 2 टेबल स्पून बटर है, 4 अंडे हैं, 2 टेबल स्पून किशमिश है और 1 टी स्पून ये पिसी हुई दालचीनी है। अच्छा, दूध में 1 कप चीनी डाल के मैंने इसको उबाल के रख लिया है और इसको चूँकि मुझे ठंडा चाहिए था इसलिए मैंने ये प्रोसेस कर लिया है। चीनी आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम बटर में 1 टेबलस्पून बटर लेंगे और उसमें सेब के स्लाइसेस करके उसको लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, सेबों को इस तरह से नॉर्मल स्लाइस में कर लेना और अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। ये देखें, 2 टेबलस्पून बटर थे जिसमें से 1 टेबलस्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून से मैं जो पैन है उसको ग्रीस करूँगी। अच्छा, जैसे ही बटर मेल्ट होगा, अच्छा आँच का बहुत ध्यान रखना है वरना बटर जो है बहुत जल्दी वो जल जाता है। आँच मैंने बहुत हल्की कर दी है, बस ये मेल्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें ये सेब डाल दूँगी। ये देखें, ये थोड़े थोड़े से अपना कलर बदल रहे हैं और बस ये जैसे ही सॉफ्ट होंगे थोड़े से तो मैं इनको निकाल लूँगी। और चलें जब तक ये फ्राई होते हैं और मैं फिर दूसरा काम कर लेती हूँ कि मैं अंडों का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, अंडों के मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये 4 अंडे इसी तरह तोड़ के, अंडे और उसमें ये दूध और साथ में ये पिसी हुई दालचीनी, सिनेमन। अच्छा, मैं अब इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। चलें, अब जो 1 टेबलस्पून जो बटर बच गया था उससे मैं इस पैन को ग्रीस कर देती हूँ। ये देखें, ये सेब जो हैं ये अच्छे से थोड़े गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसको इसमें अरेंज कर दूंगी। ये देखें, ये सेब को मैंने इसमें अरेंज कर दिया और अब मैं ये स्लाइस को लगाऊंगी। जिस तरह अरेंज करना चाहें कर लें, जो भी। ये देखें, ये ब्रेड इसे मैंने अरेंज कर दी है और ये टोटल 5 ब्रेड थी जो कि कुछ तो पूरे जो स्लाइसेस थे कटिंग हुए हुए वो थे और बाकी जो है वो मैंने थोड़े से कट करके साइडों पे और इसमें जो जगह रह गई थी वहाँ पे लगा दिया। तो ये टोटल 5 ब्रेड्स हैं। अच्छा, अब इसको मैं जो अंडों का अमेजा मैंने तैयार किया था अब मैं इसको आहिस्तगी से इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चलें, और आखिर में ये ऊपर से ये किशमिश डाल देनी है। अच्छा, मैंने इसको ओवन में बेक मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इसको पतीली में बेक कर रही हूँ और वो किस तरह बेक कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसको मैं फॉइल से कवर कर रही हूँ और मैं इसको पतीली में बेक करूँगी। पतीली में देखें मैंने पानी डाला था और वो अभी मैं देखती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट पर आया कि नहीं आया। ये देखें, ये एक पतीली में मैंने पानी डाला था और ये पानी अब खोल रहा है। इसमें मैं स्टैंड रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं ये पुडिंग को रख रही हूँ। ये देखें, इसको मैंने इसके अंदर रख दिया है स्टैंड के ऊपर और अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 1 घंटे के लिए दरमियानी आँच पर। अच्छा, दरमियान में मैं इसका पानी चेक करूँगी, अगर देखूँगी कि उस लेवल से कम हो गया है तो थोड़ा सा पानी गर्म करके मज़ीद डाल दूँगी। अगर कभी पानी डालने की ज़रूरत पेश आए तो कभी भी ठंडा पानी मत डालिएगा या टैप वाटर मत डालिएगा, पानी को गर्म करके और फिर उसके बाद डालिएगा। उसकी वजह ये है कि फिर वो उसके टेम्परेचर को ख़त्म कर देगा अगर हम लोग टैप वाटर इस्तेमाल कर लेंगे तो। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह 1 घंटे के लिए मैं इसको रखती हूँ दरमियानी आँच पर और फिर उसके बाद देखती हूँ, उसको चेक करती हूँ। चले, 1 घंटा हो चुका है और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि इसकी क्या पोजिशन है। ये लग तो रही है कि तैयार हो गई, बहरहाल मैं इसको स्क्वायर से चेक कर लेती हूँ।
ये देखें अभी थोड़ा सा रहता है इसमें, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए और रखती हूँ। ये देखें 10 मिनट बाद मैं इसको अब दोबारा से चेक कर रही हूँ और अब ये क्लियर निकल रही है। तो बस ये तैयार हो चुकी है, इसको 1 घंटा और 10 मिनट का टाइम लगा है। इसको मैं अभी इससे निकाल लूँगी और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर 2 घंटे के बाद निकाल के मैं इसकी कटिंग करूँगी। फिर ये देखें ये 2 घंटे इसको मैंने फ्रिज में रख के निकाल लिया है और अब मैं इसके पीसेस करूँगी। ये देखें ये एप्पल एंड ब्रेड पुडिंग जो है ये मैंने स्लाइस करके निकाल लिया। आप अपने जो भी पसंद हो उस पसंद के हिसाब से इसके टुकड़े कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट सिरप जो है वो ड्रिजल कर दिया है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप लोग इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को भी बहुत पसंद होती है ये और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब इसे घर पर बनाएंगे तो आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छा मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जितनी भी रेसिपीज़ मेरी अपलोड होती हैं उन सब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और बस यही कहूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।